वेलकम टू माय चैनल। और आज हम इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो जो रिजल्ट था, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ प्लेन का, ठीक है ना, सबसे पहले तो वेक्टर फॉर्म में, ठीक है ना, तो कुछ इस तरीके से रिजल्ट रहेगा, आर वेक्टर डॉट एन कैप इस तरीके से पी के बराबर, ठीक है। और कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना हो तो डायरेक्टली बस क्या करना, कुछ इस तरीके से एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड पी के बराबर, ठीक है ना, इस तरीके से। और ये एल एम एन क्या थे, एल एम एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइन, इस तरीके से। मतलब जब हमें फाइंड आउट करनी हो कार्टेशियन फॉर्म तब तो डायरेक्शन कोसाइन की बात होगी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। और जब गिवन हो कोई वेक्टर गिवन हो तो जो उसके कोफिशियंट है, कोफिशियंट मतलब एक्स वाई जेड के, ठीक है ना, तो वो क्या होंगे, सीधी सी बात है डायरेक्शन रेशो होंगे, ठीक है ना। और ये मतलब मोस्ट केसेज में मिलेगी, ठीक है ना, और या फिर मतलब कोई स्पेशल केस हो सकता है, ठीक है ना, उस चीज को मतलब को मान लो कोई वेक्टर है जैसे कुछ इस तरीके का, ठीक है ना, इस तरीके से माना था जैसे लास्ट पार्ट में, तो वहां पर मतलब चेक करना हो तो क्या करना, बस हमें मतलब उसके मैग्नीट्यूड से, इस चीज से कि मैग्नीट्यूड वन है कि नहीं है, सही बात है, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड निकाल नहीं सकते किसी वेक्टर का, मैग्नीट्यूड निकाल नहीं सकते डायरेक्ट, क्या करना है, स्क्वेयर रूट के अंदर इन कोफिशियंटों का स्क्वेयर करो, इस तरीके। मान लो यहां पर -6 हो तो -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इतना पता होना चाहिए, कुछ इस तरीके से, बस ये बात डायरेक्ट चेक कर लो। और नॉर्मली तो मतलब ये बात होती है कि मतलब जो कोफिशियंट न्यूमेरिकल्स के हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो डायरेक्शन रेशो होंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं, ठीक है ना, जैसे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की लास्ट पार्ट में बात कर रहे थे। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट किस तरीके से, मान लो इफ, मतलब ये इफ का मतलब क्या होता है, गिवन, ठीक है ना, किस तरीके से कि जो एन वेक्टर है, ठीक है, एक तो है एन कैप, बस यहीं पर टोटल कंफ्यूजन होता है, सीधी सी बात, तो क्या है, जब भी एन कैप का रोल हो तब तो डायरेक्शन कोसाइन आनी चाहिए, तभी बात है दिमाग में। और जब वेक्टर नजर आ जाए, जब वेक्टर नजर आ जाए तब डायरेक्शन रेशियो की बात आनी चाहिए दिमाग में, सीधी सी बात तो ये है, ठीक है। हमें पता होना चाहिए एन कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर के अंदर डायरेक्शन रेशियो को ही तो डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं, थोड़ा सोचना बस, ठीक है। तो हम मान लो कि एन वेक्टर है, ठीक है ना, कि किस तरीके से है ई जे वेक्टर, ठीक है ना, यहां पर तो एन कैप क्या था, यूनिट वेक्टर था, सही बात है, और वो साथ के साथ नॉर्मल या फिर परपेंडिकुलर को प्लेन के, सही बात है। तो यहां पर एन वेक्टर सिर्फ वेक्टर है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड वन नहीं है, वन से अलग कुछ भी हो। और एक और बात, जो मैग्नीट्यूड है या तो सीधी सी बात है जीरो हो गया, फिर पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड नेगेटिव होता नहीं, थोड़ा सोचना है, मतलब वन से अलग, ठीक है। तो अब जैसे मान लो कि एन वेक्टर है, कोई वेक्टर है, मतलब यूनिट वेक्टर नहीं है, हमें मतलब है यूनिट वेक्टर से, ठीक है ना, और साथ के साथ ये कंडीशन भी हो, कौन सी, ये नॉर्मल वाली या फिर कहो परपेंडिकुलर की, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से, नॉर्मल कहो, परपेंडिकुलर कहो, ऑर्थोगोनल कहो, इस बात को, ठीक है ना, 90 डिग्री कहो या फिर राइट एंगल, एक ही मतलब ऐसे भी बात होगा, ठीक है, इस तरीके से नॉर्मल किसके, प्लेन के, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये इसके बाद ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से कि जो आर वेक्टर, ठीक है, डॉट एन कैप की जगह एन वेक्टर, ठीक है, और किसके बराबर होगा, यहां पर पी नहीं होगा, सीधी सी बात है, क्यू आ जाएगा, पी की जगह क्यू आ जाएगा, मतलब पी क्या था, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कहां से, ओरिजिन से, सही बात है, बस थोड़ा सोचना है, ठीक है ना। तो जो ये होगा आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर, ठीक है ना, ये भी एक प्लेन होगा, ठीक है ना, इस तरीके से, जैसे यहां पर भी तो वही बात थी, ठीक है ना, मतलब ये भी तो इक्वेशन ऑफ प्लेन थी, तो सेम बात ही, ये भी प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब ये भी इक्वेशन ऑफ प्लेन की होगी, किस तरीके से। तो अब जैसे ये कंडीशन है कि आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर क्यू, ये प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी, ठीक है ना, किस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा, अब इसका प्रूफ चेक कर लेते हैं। जैसे यहां पर लेफ्ट हैंड साइड वेक्टर है, इस तरीके से राइट हैंड साइड क्यू है, ठीक है ना, इस अब यहां पर अगर दोनों साइड डिवाइड कर दे तो किससे, डिवाइड बोथ साइड्स किससे, एन वेक्टर के मैग्नीट्यूड से कर सकते हैं यहां पर डिवाइड, तो किस तरीके से, आर वेक्टर डॉट, एक बार इसके नीचे लिख लो, इस तरीके से, सही बात है, और यहां पर ये लिख लो,
इस तरीके से, सही बात है ठीक है ना, इस तरीके से एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड ठीक है। तो अब जैसे एक बात बताओ, ऊपर वेक्टर लिखा और नीचे उसी का मैग्नीट्यूड, जैसे ए कैप तो ऊपर वेक्टर नीचे वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता उसी वेक्टर का, तो उसको हम ए कैप लिख सकते हैं, मतलब यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं, सही बात है ठीक है ना। तो सेम बात यहां पर लिख दे, ऊपर वेक्टर नीचे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो कैप आ जाएगी जो भी वेक्टर हो, मतलब ए था तो ए कैप, एन है तो एन कैप, इस तरीके से ठीक है। और क्यों भाई एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अब एक बात बताओ, क्यों तो कोई मैग्नीट्यूड या फिर कहो कि डिस्टेंस है ये कहो ठीक है, और नीचे मैग्नीट्यूड मतलब ये भी कोई रिजल्ट होगा, मतलब मैग्नीट्यूड होगा, सही बात है ठीक है ना, और ऊपर मैग्नीट्यूड नीचे मैग्नीट्यूड मतलब रिजल्ट एक मैग्नीट्यूड आएगा, या फिर डिस्टेंस का उद्योग उसका नाम पी है, कुछ इस तरीके से, थोड़ा सोचना है बस ठीक है। तो मतलब ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्लेन को, यही तो थी इक्वेशन ऑफ प्लेन, सही बात है इक्वेशन ऑफ प्लेन ठीक है ना, इन नॉर्मल फॉर्म, बस थोड़ा सोचना है यहां पर ठीक है। तो अब जैसे यहां पर बात कर लेते कंफ्यूजन की ठीक है ना, किस तरीके से, अब एक बात बताओ हमें कैसे पता चलेगा कि कहां, बस टोटल कंफ्यूजन पता क्या है न्यूमेरिकल्स के हिसाब से ठीक है ना, टोटल कंफ्यूजन है कि कहां पर तो पी आएगा, कहां पर क्यू आएगा, इसी तरीके से कहां पर एन वेक्टर होगा और कहां पर एन कैप, सिर्फ ये कंफ्यूजन है टोटल ठीक है। तो सीधी सी बात है, जब भी रिजल्ट ठीक है ना, जब भी रिजल्ट या फिर कहो कि जब भी मतलब इक्वेशन गिवन हो ठीक है ना, तो डायरेक्ट याद रख सकते इस बात को, जब भी इक्वेशन गिवन हो ठीक है, तो सीधी सी बात है एक तो एन वेक्टर होगा, सही बात है ठीक है ना, नॉर्मल केस में मतलब एन वेक्टर ही होता है, एन कैप तो मतलब नॉर्मली मिलेगा नहीं, सीधी सी बात है ठीक है ना, एन वेक्टर की बात होती है जब इक्वेशन गिवन हो ठीक है, एन वेक्टर होगा। साथ के साथ अगर एन वेक्टर है तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा, क्यू होगा, सीधी सी बात है, इस तरीके से इस बात को याद रख सकते हो इस यहां से कंपेयर करके ठीक है। अगर एन वेक्टर गिवन है तो राइट हैंड साइड क्यू होगी, मतलब पी नहीं है ठीक है, और पी क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ठीक है ना, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कहां से, ओरिजन से, थोड़ा सोचना बस ठीक है। और मान लो ये कब है, जब इक्वेशन गिवन हो, और एक जब इक्वेशन फाइंड आउट करनी हो, इक्वेशन फाइंड आउट करनी हो, तब तो सीधी सी बात है एक तो हमें एन कैप से मतलब रहेगा, साथ की साथ हमें मतलब है पी से, इस तरीके से ठीक है। तो जब भी गिवन हो एन वेक्टर और क्यू हो जाएगी राइट हैंड साइड, जो भी मतलब कॉन्स्टेंट होगा, सही बात है ना, लेंथ है मतलब कोई कांस्टेंट होगी, सही बात है। तो इस तरीके से मतलब जब इक्वेशन गिवन होगी तो ये रिजल्ट फाइंड आउट करनी हो तो इनसे मतलब है ठीक है ना। इस चीज को एक तरीके से और भी समझ सकते हो, जैसे हम प्लेन में कुछ इस तरीके से एक एन पॉइंट मान रहे थे, और यहां पर पी पॉइंट, और यहां पर ओरिजन, कुछ इस तरीके से, और यहां पर परपेंडिकुलर बनेगा इस तरीके से, इसका नाम आर वेक्टर था, जैसे इसका नाम एन कैप था, सही बात है ठीक है ना। अब एक बात सोच के देखो कि इक्वेशन गिवन हो, मतलब एन वेक्टर गिवन है, अगर वेक्टर गिवन है तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड वन तो है नहीं, सीधी सी बात है ठीक है ना, अगर वेक्टर गिवन है तो उसका मैग्नीट्यूड वन तो होगा नहीं ठीक है ना, मोस्ट केसेज में ठीक है ना, और अगर प्लस टू की बात करो तो यही केस मिलता है, सीधी सी बात तो ये है ठीक है ना। तो अब एक बात बताओ, अगर एन वेक्टर है, वेक्टर की कंडीशन क्या थी, वेक्टर का दूसरा नाम डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, मतलब किसी दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस है, मतलब मैग्नीट्यूड तो वही है ना, किसी दो पॉइंटों का, मतलब यहां पर ये ओरिजिन वाली बात हट जाती है, सीधी सी बात तो ये भी कह सकते हो ठीक है ना। जैसे ही ये प्लेन के मान लो ये है एक लाइन, इस जैसे ही शीट ऑफ पेपर पर ये लाइन है, इसके परपेंडिकुलर ये है, चलो यहां पर है पॉइंट एन, और जो इसकी मतलब परपेंडिकुलर इसी के परपेंडिकुलर, यहां पर मान लो पी पॉइंट है, सही बात है पी पॉइंट है, जैसे एन पॉइंट है ठीक है ना, तो जैसे यहां पर एन पॉइंट है ठीक है ना। अब मान लो थोड़ी कंडीशन यहां पर हो तो मतलब ओरिजिन से अलग, सही बात है, तो तब ये बात हो जाएगी ठीक है ना, मतलब ये ओरिजिन वाली कंडीशन हट जाएगी ठीक है ना, मतलब सीधी सी बात है किसी दो पॉइंट और आ जाएंगे, सीधी सी बात है। तो इस बात का ये मतलब है कि एन वेक्टर मतलब इक्वेशन गिवन हो सकता है, मतलब कि एन वेक्टर निकालना भी पड़ जाए, सही बात है ना, एन वेक्टर निकालना भी पड़ जाए, फिर कोई वेक्टर लिखना हो तो क्या कंडीशन है, लाइन सेगमेंट होनी चाहिए, मतलब दो पॉइंट, सेगमेंट का तो ये मतलब है ना, लाइन का छोटा हिस्सा, मतलब ये कंडीशन, बस थोड़ा सोचना न्यूमेरिकल्स में, और कुछ नहीं ठीक है ना। मतलब कभी वेक्टर लिखना हो
तो मतलब 2 पॉइंट होने चाहिए, वही बेसिक कंडीशन है, बार बार रिपीट होंगी, सीधी सी बात तो ये है। ठीक है, तो ये है मेन पॉइंट। तो ठीक है, अगर इक्वेशन में गिवन है तो ये चीज, और अगर कभी फाइंड आउट करनी हो तो हमें मतलब है इन चीजों से। ठीक है, और मोस्ट मतलब मेनली कंफ्यूजन तो यहां पर होता है एन वेक्टर और एन कैप में, सीधी सी बात है। अगर वेक्टर है तो ए बी सी मतलब डायरेक्शन रेशो, और एन कैप मतलब एल एम एन मतलब डायरेक्शन कोसाइन, और ये कब है, एन कैप यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर में डायरेक्शन रेशो को डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं, ये काम की चीज है इस तरीके से। ठीक है, और इसके बाद हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे इस कंसेप्ट से रिलेटेड। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।